Hello everyone, welcome back to Unique Adventures. Hope you all are doing well. My name is Siddhita. My name is Abhijit. और आज हम आए हैं US के second most sunniest city में. Yes, Redding, California. और आज हम Redding, California explore करने वाले हैं और आपको भी हमारे साथ लेके चलने वाले हैं. तो let's go. Let's go. और हमारा पहला स्टॉप है टर्टल बे एक्सप्लोरेशन पार्क. लेट्स गो. सो वी आर जस्ट एंटरिंग टर्टल बे एक्सप्लोरेशन पार्क. बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, फुल ऑफ नेचुरल वंडर्स. एंड लेट्स गो. बचपन में हम जब देर तक सोते थे तो दादी नानी उठ के हमें बताती थी, उठ जाओ जल्दी, सूरज सर पर आ गया है. कुछ उसी तरह एक ब्रिज बना है यहाँ पे रेडिंग कैलिफोर्निया में, जो हमें बताएगा कि दिन का वक्त क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है और सूरज सर पर है यानी कितने बजे है. सो लेट्स गो एंड सी व्हाट दिस ब्रिज इज. तो जी, आप जो ये देख रहे हैं ये है सन डायल, यानी इस ब्रिज का जो ये आर्क है, ये जो है ये घड़ी का एक कांटा है. और यहाँ पे सामने ये जो है ये बना हुआ क्लॉक है, वॉच है, जिसके ऊपर टाइम दिखाया हुआ है. ये दोपहर के 12:30 बजे हैं और हम जब आगे चले जाएंगे तो हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे घड़ी में 1 बजा हुआ है और वहां पे है एक ये डायल और बीच में ये जो शैडो है, ये डायल की जो शैडो है, ये क्लॉक की जो शैडो है, वो बता रही है कि दोपहर के 1:30 बज चुके हैं. और अगर मैं आपको मेरा वॉच दिखाऊं अभी तो उसमें बजे हैं 12:30, यहाँ बजे हैं 1:30. ये टाइम डिफरेंस है क्योंकि यूएस में समर टाइम और विंटर टाइम अलग अलग होता है. ये जो ब्रिज बना हुआ है ये विंटर टाइम नहीं समर टाइम दिखा रहा है, जिसके हिसाब से जून 21 तारीख को 1:30 बजे यहाँ पे इसकी शैडो गिरनी चाहिए. और उसी तरह ये शैडो हर मिनट आगे आगे बढ़ते रहेगी और धीरे धीरे ये जो वॉच है ये टाइम दिखाते रहेगा. तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारी दादी माँ जैसे सूरज को देख के टाइम बताती थी, उसी तरह ये जो सनडायल है ये इस शहर को और इस दुनिया को टाइम दिखा रहा है सूरज के हिसाब से. स्पेन के फेमस आर्किटेक्ट सैंटियागो कलात्रावा ने ये सनडायल ब्रिज बनाया है. उनके कई सारे आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बहुत फेमस है, जो अभी हम अपने स्क्रीन के ऊपर आपको बता रहे हैं. लेकिन जब ये सनडायल ब्रिज उन्होंने बनाया तो उसके पीछे की सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये था रेडिंग कैलिफोर्निया में बनाने का, कि रेडिंग कैलिफोर्निया इज सेकेंड मोस्ट सनियस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, इन द यूनाइटेड स्टेट्स. और वो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था. आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो देखिए, बर्नी फॉल्स का, जो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है. Thank you.
तो ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सनडायल सस्पेंशन ब्रिज है जिसकी लेंथ 700 फीट है, विड्थ 23 फीट है और जो सपोर्ट टावर है वो 217 फीट का है और इन केबल से वो सस्पेंड हुआ है पूरी तरह उन केबल तक उस टावर के सपोर्ट पे और नीचे जो ब्रिज है उसके ऊपर कांच लगी है और हम कांच के ऊपर से चल के आए हैं और हम आप वापस चल कर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कांच का ब्रिज। जैसे मैं आपको बताया कि ये ब्रिज है ये ग्लास से बना हुआ है बट ये ग्लास क्लियर ग्लास नहीं है, मतलब इससे आप नीचे का देख नहीं सकते बट ये ट्रांसलूसेंट ग्लास है। कहा जा सकता है कि ये सुपर स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चुरल सुपर ये जो केबल जिनसे ये ब्रिज बना है वो अगर स्ट्रेच करके फैलाए दिए जाए तो 14 फुटबॉल फील्ड कवर हो सकते हैं। यस, 14 फुटबॉल फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये सुपर स्ट्रक्चर है। दुनिया के कुछ चंद सनडायल ब्रिजेस में से ये एक है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट सनडायल ब्रिज है और ये एक सस्पेंशन ब्रिज है। बहुत खूबसूरती से 4th ऑफ जुलाई 2004 को जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है उस दिन इसका इनॉग्रेशन हुआ था। और यहाँ पे बने हुए हैं ये छोटे छोटे टर्टल्स। इनकी कहानी किसी और दिन।
आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड व्हेन वी अपलोड अवर न्यू वीडियोस एंड यस फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड प्लीज शेयर दीज वीडियोस विद योर फैमिली फ्रेंड्स ऑन व्हाट्सएप फेसबुक एंड यस स्टे कनेक्टेड अंटिल देन से यस टू एडवेंचर्स सी यू सून बाय